कैसे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइफ विद फातिमा में आपका बहुत बहुत खुशामदीद। आज फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, लेकिन इससे पहले कि रेसिपी की तरफ चलें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। मुझे बहुत सारे DM आ रहे थे इंस्टा पे कि अभी आपने जो चटनी अपने ब्रेकफास्ट में बताई थी जो कि मैदे के लिए बहुत मुफीद है और स्पेशली जिन्हें गैस की शिकायत रहती है उनके लिए बहुत मुफीद है, जिनको स्पेशली गैस की शिकायत रहती है, तो उनके लिए मैं ये चटनी का तरीका बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही देसी तरीके से मैं बनाऊँगी, मैं इसके लिए कोई मशीन का यूज़ नहीं कर रही क्योंकि हाथ की कुटी हुई चटनी सबसे बेस्ट होती है। इसके लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए, पुदीना ले लिया मैंने, धनिया ले लिया, इसके अलावा ये मैंने तकरीबन 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, काट ली हैं, और एक छोटे साइज़ की प्याज ले ली है, लहसुन के मैंने कुछ जोए ले लिए हैं, अनारदाना मैंने ले लिया तकरीबन 2.5 टेबल स्पून जो है भर के, और अदरक का एक टुकड़ा ले लिया। अब इसे ऐड करना शुरू करते हैं। ये सारे मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं। आप देख सकते हैं जो लोग बिल्कुल आलसी हैं काम करने से जान जाती है तो वो मशीन या ग्राइंडर में भी बना सकते हैं, उनके लिए वही अच्छी है, लेकिन जो हाथ से कुटी हुई चटनी का मज़ा है वो ग्राइंडर वाली चटनी से, मशीनी चटनी से आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये वाली रेसिपी लाजमी ट्राई करके देखिएगा, अगर आपको मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो नमक है वो बिल्कुल एंड पे ऐड करना है क्योंकि नमक भी अपना पानी छोड़ देता है तो फिर छींटे जो हैं बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, तो इसलिए आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सॉल्ट या नमक लास्ट पे ऐड करना है। नमक ऐड कर लेते हैं लास्ट पे क्योंकि चटनी तकरीबन हमारी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। अब इसे एक और दफ़ा अच्छे से पीस लेते हैं ताकि नमक अच्छे से अंदर मिक्स हो जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।